इस बड़ी खबर पर आगे भी देंगे आपको अपडेट, लेकिन इस वक्त नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली मुंबई में बीबीसी ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे, सर्च ऑपरेशन जारी, कर्मचारियों के फोन जब्त करने की खबर, बाहर जाने की इजाजत नहीं। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर ट्रांसफर अप्राइजिंग रूल और मुनाफे के डायवर्जन करने के हैं मामले, सर्वे से पहले दी गई थी, नोटिस का पालन नहीं किया गया। बीबीसी दफ्तर पर आयकर सर्वे को लेकर कांग्रेस का बयान, पहले डॉक्यूमेंट्री बैन और अब छापा डाला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीबीसी पर बीजेपी का बयान, कानून के तहत कार्रवाई, अगर गलत नहीं किया तो डर कैसा। बीबीसी की गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमित शाह का बयान, का 2002 से लोग मोदी के पीछे लगे हैं लेकिन वो पाक साफ होकर निकले। अदानी मामले में पहली बार बोले अमित शाह, कहा बीजेपी ना तो कुछ छिपा रही है और ना ही डर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। अमित शाह बोले पीएफआई कट्टरता और धर्म फैलाने वाला संगठन है और आतंकवाद का रॉ मटेरियल भी तैयार करता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का बयान, प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता को भरोसा है, किसी की चुनौती नहीं है। अमित शाह का बयान, त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, सीटें भी बढ़ेंगी, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। कानपुर देहात में दिल दहला देने वाली घटना, अतिक्रमण हटाने के दौरान आग लगने से मां और बेटी जिंदा जली, दोनों की जान गई। कानपुर में मां बेटी की मौत के मामले में प्रशासन की कार्रवाई, लेखपाल को हिरासत में लिया गया, एसडीएम सस्पेंड। यूपी के डिप्टी सीएम बोले कानपुर की घटना में सिर्फ निलंबन नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी। समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद किया गया, घर के बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई, पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर जा रहे थे, कांग्रेस के कई नेताओं को भी रोका गया। परिवार ने प्रशासन पर आग लगाने का आरोप लगाया है, प्रशासन का आरोपों से इनकार, कहा मां और बेटी ने खुद आग लगाकर जान दी है। घटना के बाद इलाके में टेंशन, भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखाया, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द होने पर कांग्रेस भड़की, यूपी सरकार पर हमला बोला, कहा काशी में नहीं उतरने दिया गया प्लेन, राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार डरी। फडणवीस का बड़ा खुलासा, कहा शरद पवार की सहमति से बनी थी बीजेपी और एनसीपी की सरकार, स्थायी सरकार के लिए एनसीपी से प्रस्ताव मिला था। शरद पवार का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, कहा फडणवीस एक सुलझे हुए नेता, मुझे कभी नहीं लगा वो झूठ का सहारा लेंगे। फडणवीस के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, कहा महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने में हमारे लोगों का हाथ, लेकिन पवार और कांग्रेस हमारे साथ। TV9 भारत वर्ष पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, रात 9 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू। लखनऊ में रोडरेज का मामला, कार टकराने पर चली दोनों तरफ से गोलियां, विजयनगर अंडरपास की घटना। गाजियाबाद में फरुखाबाद के एसडीएम की पत्नी से लूट हुई, बाइक सवार बदमाश सोने की चेन खींचकर फरार हुए। पुणे में तेज रफ्तार एसयूवी का कहर, 17 महिलाओं को कुचल दिया, 3 की मौके पर मौत हुई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पालघर में कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटने का सनसनीखेज वीडियो सामने आया, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मुंबई में सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन के शेड में आग लगी, आग पर काबू पाया गया।